आर्टिकल 4.10.2 सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एक्ट करेगा एज अ मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस सेक्शन वी शैल कंसिडर द एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट द करेंट लूप। वी शैल शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंसेज ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर करंट लूप इज वेरी सिमिलर इन बिहेवियर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जो ये सर्कुलर लूप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का बिहेवियर है वो काफ़ी सिमिलर है, या उसका एक्सप्रेशन है वो काफ़ी सिमिलर है एज अ करंट एज अ डाइपोल। जब हम डाइपोल में देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट पे उसके एक्सियल पॉइंट पे, तो उसके काफ़ी सिमिलर होगी ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इसके मैग्नेटिक फील्ड के जैसे। तो इन दिस सेक्शन वी हैव इवैक्यूलेटेड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ अ रेडियस आर कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। द मैग्नेट ऑफ दिस फील्ड इज, तो हम बायोट सावर्ट लॉ से देख चुके हैं एक सर्कुलर लूप है जिसका एक्स डिस्टेंस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इसके रेडियस कैपिटल आर है, आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से दी जाएगी, न्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू होल एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। और इसकी डायरेक्शन है एंड इस डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस एंड इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। तो डायरेक्शन जो है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर एलिमेंट था मैग्नेटिक फील्ड का वो कैंसिल आउट हो जाता है, ओनली जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट रह जाता है, तो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो राइट हैंड थंब रूल से भी दे सकते हैं हम। तो अगर हम कर्ल कर लेते हैं अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा थंब के डायरेक्शन में होगा। इसके बाद हियर एक्स द डायरेक्ट डिस्टेंस अलॉन्ग द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप। फॉर एक्स ग्रेटर देन वेरी वेरी लार्ज देन रेडियस वी मे ड्रॉप द आर स्क्वायर टर्म इन द डिनोमिनेटर। और अगर ये रेडियस है जो हमारा रेडियस से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा हमारा जो भी जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो रेडियस है नीचे ये हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी, इसे देखते हैं आगे। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी हमारी ये बी म्यू नॉट आर स्क्वायर बाय 2x³। इसमें करंट भी होगा आई मल्टीप्लाई बाय आई। और हम देखें अगर, तो अगर हम एरिया जो ऑफ लूप है वो पाई आर स्क्वायर है, एरिया ऑफ लूप पाई आर स्क्वायर है, तो अगर मैं पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो आर स्क्वायर और पाई एरिया बन जाएगा, यानी कि बी जो आएगा म्यू नॉट आई ए 2π x³। और इसके बाद जो हमने मैग्नेटिक मूवमेंट डिफाइन किया था एम, वो क्या था, वो आई डॉट ए था, यानी कि जो आई डॉट है वो एम आ जाएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्विवेलेंट है म्यू नॉट स्मॉल एम, एम इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट है 2π x³ के। और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, टू से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ जाएगी वो म्यू नॉट बाई 4π इंटू 2m/x³। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये काफ़ी सिमिलर एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे जो एक्सप्रेशन आता है उसमें, तो उसमें जो होता है वो है 1/4π ε₀ 2p/x³, जिसमें p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था और x डिस्टेंस था सिमिलरली। तो ये काफ़ी कंपेरेबल है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका इसको आगे देखते हैं। द एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू एन एक्सप्रेशन ऑब्टेन अर्लियर फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल, द सिमिलरिटी मे बी सीन इफ वी सब्स्टिट्यूट। तो मैंने जैसे बताया ये काफ़ी सिमिलर है इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सप्रेशन जैसे, तो अगर इसको इसमें इस इक्वेशन में हम अगर इस इक्वेशन में हम म्यू नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दे 1/ε₀ से, एम को सब्स्टिट्यूट कर दे पी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल मोमेंट था, और जो बी को हम रिप्लेस कर दें ई से, तो ये हमारा एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ही आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाएगा। इसके बाद विच इज़ प्रिसाइसली द फील्ड ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इन एक्सिस। तो ये बिल्कुल ये जो एक्सप्रेशन है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो एक्सिस में पॉइंट है एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये दोनों कंपेरेबल काफ़ी सिमिलर है। इट कैन बी शोन दैट द अबव एनालॉजी कैन बी कैरिड फर्दर, वी हैड फाउंड इन चैप्टर 1 दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नॉट डाइपोल इज गिवन बाय दिस। तो अगर हम ये चीज़
इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या, अगर हमने जो एक्सियल पॉइंट पे अगर हम फाइंड आउट किया था, तो एक्सियल पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए थे एक डाइपोल से, तो वो एक्सप्रेशन ये था एक्सियल पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तो ये एक्सप्रेशन था पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x³। और इसमें अगर हम इसमें अब पी को रिप्लेस कर दें एम से, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ई को बी से, तो ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ये, तो करंट कैरिंग लूप की वजह से अलोंग दिस प्लेन, इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसमें आगे देखते हैं, इफ़ यू रिप्लेस पी बाय एम म्यू नॉट बाय 1/ε, इसके साथ साथ हमें एप्सिलॉन 1/ε को भी म्यू नॉट से रिप्लेस करना पड़ेगा। वी ऑब्टेन रिजल्ट फॉर बी फॉर अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द लूप एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। तो म्यू नॉट मी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई x³। तो यानी कि हमें क्या पता चला इन दोनों रिजल्ट से, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है काफ़ी सिमिलर है, रिलेट करती है इन द, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेट करता है अलॉन्ग द एक्सिस और अलॉन्ग इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक वैसे ही हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से रिलेट करता है। सो एक्चुअली क्या हुआ था, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आइडिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आया था, क्योंकि ये रिजल्ट काफ़ी सिमिलर आ रहे थे, इसलिए ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आइडिया भी यहीं से आया था। तो इसको आगे देखते हैं, द रिजल्ट गिव्स बाय इक्वेशन 4.31a 4.31b बिकम्स एग्जैक्ट फॉर अ पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल। द रिजल्ट ऑब्टेन अबव कैन बी शोन टू अप्लाई टू एन एनी प्लेनर लूप, अ प्लेनर करेंट लूप इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट एम इज इक्वल टू आई ए विच इज एनालॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी। नोट हाउएवर अ फंडामेंटल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बिल्ड अप ऑफ टू एलिमेंट्री यूनिट्स, द चार्जेस और इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स। इन मैग्नेटिज्म अ मैग्नेटिक डाइपोल इज द मोस्ट एलिमेंट्री एलिमेंट। लेकिन जैसे रिजल्ट ये सिमिलर आ रहे हैं, हम ऑप्टेन भी कर सकते हैं रिजल्ट को जैसे हमने अभी किया भी, लेकिन एक जो डिफरेंस इन दोनों में, वो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में जो चार्जेस है, जो डाइपोल के जो चार्जेस है वो हम सेपरेट कर सकते हैं, दो एलिमेंट्री चार्ज है ये अलग चार्ज है, ये एलिमेंट्री चार्ज अलग है माइनस क्यू और प्लस क्यू। लेकिन जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में जो पूरा मैग्नेट है वही एलिमेंट्री पार्टिकल, इसके मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो इन मैग्नेटिज्म अ मैग्नेटिक डाइपोल इज द मोस्ट एलिमेंट्री एलिमेंट, द इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट इज मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर नॉट एग्जिस्ट नोन टू एग्जिस्ट। तो अभी तक ये मोनोपोल, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते यहाँ तक हमारी नॉलेज है। तो वी हैव शोन दैट अ करेंट लूप प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंसेज। तो हमने देखा कि जो एक करंट लूप है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरफ बिहेव करेगा एट लार्ज डिस्टेंसेस। एंड सेकंड है कि इज सब्जेक्टेड टू टॉर्ट लाइक अ मैग्नेटिक नीडल, और उसमें अगर हम मैग्नेटिक नीडल की तरह एक्ट करेगा उसमें टॉर्क एक्ट होगा अगर उसमें मैग्नेटिक फील्ड हम प्लेस करते हैं उसे, यानी कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो हमारा करंट कैरिंग लूप है वो एज अ मैग्नेट डाइपोल एक्ट करेगा। दिस लीड एम्पियर टू सजेस्ट दैट ऑल मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू सर्कुलेटरी करेंट। यानी कि यहाँ से एम्पियर ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो जो हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करी, तो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करी, और मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से थी, सर्कुलेटरी करंट से, यानी कि जो सर्कुलेटरी करंट से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, जितने भी मैग्नेटिज्म है वो सारे सर्कुलेटरी करंट से एग्जिस्ट करते हैं की वजह से है, ये एम्पियर ने सजेस्ट किया। दिस सीम टू बी पार्टली ट्रू एंड नो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैव बीन सो फार हैव बीन दो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैव बीन सो फार। तो ये अभी तक मैग्नेटिक मोमेंट हमें नहीं पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं, अभी तक तो हम मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। हाउएवर एलिमेंट्री पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑल्सो कैरी इंटरेस्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट नॉट अकाउंटेड फॉर सर्कुलेटरी करंट। तो यानी कि या जो लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसमें भी हम देखते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट है, जबकि उसमें वो मोनोपोल्स एज अ मोनोपोल हम उनसे
हम उनसे देख सकते हैं एज अ मोनोपोल उन्हें देख सकते हैं। तो ये जो बात थी कि जितने भी मैग्नेटिज्म है वो सर्कुलेटिंग करंट से की वजह से ये पार्टली ट्रू है।